My dear students, class 12th business study. We were discussing techniques of scientific management. Today we will discuss fatigue study. देखो A.W. Taylor ने fatigue study को भी analysis किया. इसमें A.W. Taylor ने क्या किया कि जो rest hours होते हैं, fatigue का मतलब होता है थकान, हिंदी में मान लो मीनिंग देखे तो इसका, लेकिन जनरली इससे रिलेशन है कि जब भी व्यक्ति क्या होता है वर्क करते करते टायर्ड हो जाता है तो व्यक्ति को क्या होता है कि रेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है. उस रेस्ट आवर को भी W. Taylor ने एनालिसिस किया. देखिए ये स्टडी क्या कहती है, फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग ए टास्क. एक टास्क को जब हम कंप्लीट करते हैं तो जो उसके रेस्ट इंटरवल्स होते हैं उसके टाइम और फ्रिक्वेंसी को भी ये देखा जाता है कि टास्क को पूरा करना है और साथ साथ में उस टाइम इंटरवल में कितना रेस्ट आवर्स है वो कैलकुलेट किया जाता है. जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ फैटिग स्टडी का. ऑटोमोबाइल में जब फोर व्हीलर की आप सर्विसिंग करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे वर्कर्स जो आते हैं सुबह 8:30 पे इंटर होते हैं और शाम को 6 o'clock पे डिपार्चर होता है. ठीक है, अब जब गाड़ी सर्विसिंग के लिए आप देने के लिए जाते हो फोर व्हीलर को तो सबसे पहले जब 8:30 पे इंटर होते हैं तो सपोज़ करो उनके पास में 20 वर्कर्स क्या करते हैं गाड़ी को वॉश करने के लिए रहते हैं. ठीक है, जब वो गाड़ी को वॉश करेंगे जब तक वो 20 वर्कर्स गाड़ी को वॉश नहीं करेंगे जब तक जो रेस्ट वर्कर है वो क्या करेंगे रेस्ट में रहेंगे, उनके पास तो कोई काम ही नहीं है. तो अब ये क्या होता है, एक वर्कर को एक गाड़ी वॉशिंग करने में सपोज़ करो 30 मिनट्स लग गए तो वो 30 मिनट्स का जो टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल में क्या करेगा कि वो वर्कर क्या करेगा रेस्ट कर रहा होगा. तो इन सब चीज़ों को भी क्या किया है टेलर ने स्टडी किया है. नेक्स्ट, द रेस्ट इंटरवल विल बी इनेबल वर्कर्स टू रीगेन देयर लॉस्ट स्टेमिना देयर बाय अवॉइडिंग एक्सीडेंट रिजेक्शन एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस. देखिए अभी तो हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जांपल देखा, अब देखिए फैक्ट्री में क्या होता है, जनरली इन ए फैक्ट्री 24 आवर्स वर्क होता है. इसमें क्या होता है 8 आवर्स की शिफ्ट, 3 शिफ्ट होती है. अब 8 आवर्स में भी क्या होता है वर्कर को हमें क्या कहता है जो रेस्ट है ये वाला टाइम देना पड़ता है. वर्कर को टी ब्रेक हुआ, वर्कर को लंच ब्रेक हुआ, ये देना पड़ता है ना, ताकि वो क्या थोड़ा सा उसमें जो थकान हो रही है ना वो क्या हो जाए अपनी स्टेमिना को रीगेन कर सके, अपनी एनर्जी को वापस से वो गेन कर सके. अच्छा, जब वर्कर थोड़ा रेस्ट करता है तो उससे क्या होता है इंडस्ट्री में एक तो एक्सीडेंट भी बच जाता है और जो आउटपुट में जो रिजेक्शंस होंगे है ना, कभी कभी जैसे मान लो आपने व्यक्ति वो थका हुआ है ना, काम करते जा रहा है कंटिन्यूसली तो उसका जो आउटपुट है कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो सकता है, उसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ हो सकता है. इसलिए क्या है उस रिजेक्शंस से बचने के लिए भी रेस्ट दिया जाता है. एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस, कहीं ना कहीं क्या होता है फैक्ट्री में लॉस यदि रिपोर्ट हो रहा है ना, वर्कर काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को भी रोकने के लिए क्या है फैटिग स्टडी का एनालिसिस क्या F.W. Taylor में. देखिए इसका सेकंड पॉइंट क्या है, मेनी कॉजेज फॉर फैटिग स्टडी के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं. देखिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स, व्यक्ति जो है काम कर रहा है 8 आवर्स तो उसको क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसा रेस्ट वाला टाइम भी चाहिए रहता है जिस टाइम में क्या हो सके अपनी एनर्जी को वो रीगेन कर सके. सेकेंड है डूइंग अनसुटेबल वर्क. समटाइम्स क्या होता है वर्कर को कुछ ऐसा काम दे दिया जाता है जो कि वो अनसुटेबल हो है ना, जिसको काम करने की उसकी आदत नहीं है तो उसको थोड़ा सा वहाँ पर एडजस्ट करने में समय लगता है. नेक्स्ट वाला रीज़न है हमारा हैवी अनकॉर्डियल रिलेशंस विद द बॉस, बॉस के साथ में उसके अच्छे रिलेशंस का न होना वर्कर का, तो एक ये भी कॉजेज है जिसकी वजह से फैटिग स्टडी अराइज होती है. उसके बाद में बेड वर्किंग कंडीशन, देखिए फैक्ट्री में यदि वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा वर्कर की एफिशिएंसी डाउन होगी. देखिए आप जब स्टडी करने बैठते हैं तो कम लाइट में आप 1-2 घंटा तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप 10-12 आवर की स्टडी करते हो तो उस छोटे से लाइट में आप पढ़ नहीं सकते. इसलिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशन और प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट के साथ जब व्यक्ति काम करता है तो उसका वो ऑटोमेटिक सेल्फ मोटिवेटेड होता है और इफिशेंसी को इंक्रीज करने में अपने एनर्जी को लगाता है. इस प्रकार के जो हिंड्रेंसेस है उनको क्या है ऑर्गेनाइजेशन में रिमूव करना चाहिए.
यदि ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में उसको रिमूव कर लिया जाता है तो ऑटोमेटिक जो वर्कर्स का जो परफॉर्मेंस है वो अप होता है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं समझ सकते फैटिक स्टडी में कि वर्कर यदि बैठा हुआ है, वर्कर यदि आइडियल है, आइडियल यदि मतलब वर्कर का मोशन है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या कर रहा है कि काम नहीं कर रहा है। वर्कर यदि रेस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर रहा है ताकि इंडस्ट्री में फैक्ट्री में कहीं भी कुछ लॉस होने वाला हो तो उससे फैक्ट्री को ही बेनिफिट होगा। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने इन सब की भी स्टडी करी और स्टडी करने के बाद में इससे फैक्ट्री की इफ़िशेंसी इंक्रीज होगी, प्लस वर्कर भी अपनी एनर्जी को रीगेन कर पाता है और हमें ओवरऑल जो टोटल जो आउटपुट है वो फैक्ट्री का एक अच्छा मिलता है और हमारा टास्क भी इजीली कंप्लीट हो जाता है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टडी। थैंक यू।